हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ। तो लास्ट वीडियो में आपने जैसे कि देखा कि मैंने टाइगर जो रिजर्व में गया हुआ था, जो जिसका नाम पेंच टाइगर रिजर्व है, और बफर जोन में गया था मैं, जहाँ पे मतलब इतनी आबादी नहीं होती या इतनी पॉपुलेशन नहीं होती टाइगर की, बट स्टिल वी गॉट लक्की और हमें एक टाइग्रेस मिली जिसका नाम सकाटा है। इसके पार्ट वन पार्ट टू मैंने दिखाए हुए चैनल पे, तो वो आपको मिल जाएंगे जब आप मेरी प्ले लिस्ट में जाओगे तो। और लास्ट में हम लोगों ने इनको बाय करके स्टार्ट किए। ये राहुल भाई थे जिन्होंने बंजी को ऐसे मतलब कि बैक को ऐसे पैक किया कि शो मतलब कुछ नहीं हुआ रास्ते में। ये उबेद हैं जो कि स्टंट करते हैं साइकिलिंग पे, जो कि मुझे लोग दोनों रास्ते में लेते और मतलब वी आर फॉलोइंग ईच अदर। ओके, नेक्स्ट जैसे ही आप फ्री होते ही सीधे मैंने बाइक दौड़ाई है और देखता क्या हूँ आपका जो पेट्रोल है इधर एमपी की तरफ वो है 112 रुपए से ज़्यादा ही था। तो आप देख सकते हो मेरी बाइक में ऑलमोस्ट फुली था, तो मैंने सिर्फ 500 रुपए का डलवाया पेट्रोल, उसके अंदर टैंक फिलअप कराया। और फिर टैंक फिलअप कराते ही फिर एक्चुअली पेंच से आपका जो नागपुर है जो सिटी पड़ेगी तो वह करीब 120 किलोमीटर का अराउंड है, लेकिन हल्का सा मुझे डर लग रहा था क्योंकि रात की ट्रिप है और रात की ट्रिप कभी भी मतलब कि आप बाइक से कर रहे हो रास्ते में कुछ हो जाए, तो उन सब से बचने के लिए आपको यही है कि मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपकी कभी भी रोड ट्रिप करते हो, कुछ भी करते हो, बाइक से करते हो, सोलो करते हो, खासकर सोलो करते हो तब कुछ ना कुछ आपका बैकअप होना चाहिए था, लेकिन सोलो हो तो अकेले ही हो, कोई बैकअप नहीं है तो आप समझ सकते हो। तो ये मैं अभी बाइक चल रही है मेरी और ये टाइम वार्प है, सॉरी टाइम वार्प नहीं, नाइट लैप्स है ये। ओके, जिसमें लग रहा है कि मतलब कुछ धुने या फिर कुछ सॉन्ग्स मेरे ऊपर कोई फेंक रहा है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर कि टिप्स जो कि आपको माइंड में रखनी है अगर कभी भी आप सोलो बाइक ट्रिप पर जाते हो तो। ओके, तो सबसे पहले टिप्स है आपका, आपकी बाइक एक अच्छी लंबी राइड करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी बाइक सही होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बाइक सही नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छी ट्रिप, एक यादगार ट्रिप कभी नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा याद आएगा कि इस बाइक में ये हो गया था, इस बाइक में हो गया। तो कुछ कुछ चीज़ चेक करने की होती हैं, ऐसे कि बाइक में आपको जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप तो ऐसे बाइक के टायर्स मतलब ऐसा ना हो पूरे के पूरे मतलब घिस चुके हैं और आप फ्लैट हो चुके हैं और आप लेके चल दियो लंबी राइड के लिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपको लगता है अगर बाइक के जो थ्रेड होते हैं वो अभी है और कम से कम आपका अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हो तो कम से कम 5-6 किलोमीटर चल सकते हैं अगर, ओके, तो आप तभी कंसिडर करिएगा, वरना ऐसा नहीं मतलब कि आप लेके चल दी और रास्ते में फिर आप पंचर जोड़ते ही रह गए और फिर थक गए और फिर तो वो मज़ा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि कुछ भी मॉडिफिकेशन होना है बाइक की आपके अंदर है, ठीक है, कुछ पार्ट उसके अंदर वेयर टेयर हो चुके हैं और ख़राब हो चुके हैं और आपको बदलना है, ठीक है, सीट आपकी कुशनिंग वाली है कि नहीं है, तो आरआर की बता दूँ मैं। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने क्या करता है, एक पंप वाला एक बबल्स वाला आता है जो कि मैंने आई थिंक दिल्ली में ख़रीदा था, अराउंड 3000 के आसपास था, उसको मैंने अपनी राइडर सीट पर लगाया और उसके बेस पे मैं चलाता, तो मुझे दर्द मतलब कह सकता हूँ करीब मैं जितना पहले दर्द होता था जो मैं राइड करी है मैंने अकेले, ओके, और दोस्तों के साथ की हुई है, तो मतलब प्लेन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है RR 310 पे, सब कंप्लेन करते हैं, लेकिन हाँ जो राइडिंग सीट है, जो राइडर सीट है वो अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप पूरी लंबी जर्नी कर दोगे 2000 किलोमीटर की आगरा से बेंगलोर की, तो उसको हटाते हैं फिर, ठीक है। तो आप एक अच्छी सीट हो, कुशनिंग सीट हो, इससे कि आपको इशू ना आए, ना हो तो अपने किसी भी पास के जो कारपेंटर लोग हैं उनसे बात करिए, वो फॉर्म लगा के कुछ ना कुछ उसको सेटिंग कर देंगे, तो ये जुगाड़ हो सकती है। दूसरी बात ये है आपके इंडिकेटर, जैसे कि आपको पता ही है मेरे में R1M के मिरर के इंडिकेटर लगे हुए हैं या रिडक्शन R के मिरर के इंडिकेटर लगे हुए हैं, मिरर इंडिकेटर जिन्हें कहते हैं, जो कि दिल्ली में मिल जाते हैं PGX ऑटो एक्सेसरी में, तो उनसे जब मैं लेकर आया था तो ठीक है, बट हर कोई प्रोज है, हर कोई कौन से, वीडियो का लिंक में छोड़ दूंगा, पता जाएगा आपको उसके पहले कमेंट में कि प्रोज क्या है, कौनस क्या है। अभी एक कौन सा उसका और था कि उसके अंदर एक्चुअली जो ZX NR के या फिर R1M के मिरर के जो हैं इंडिकेटर, मिरर इंडिकेटर, तो उसमें एक इशू आ जाता है कि उसका बोल्ट लगा होता है दोनों पार्ट के बीच में, ओके, तो अगर वो बोल्ट एक भी गिर गया
तो आपका वो हल्का सा टक 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 करता रहेगा, ठीक है। ये मतलब कि उसी पार्ट में है जो कि वहाँ से आता है। ओके, तो फिलहाल मतलब ये हो गया आपका। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि रास्ते में कभी कभी आपके जब टोल पड़ते हैं ना तो बड़ी खुशी हो जाती है कि हाँ कोई है जो रास्ते में देख रहा है कि हम सेफ हैं कि नहीं है। ओके, तो मैं वो देना चाहता हूँ कि मतलब कि ये चीज़ें ऐसे ही सही टोल होनी चाहिए। ये बात अलग है बाइकर लोगों के लिए जो सोलो कर रहा है या फिर वैसे भी कर रहा है, बाइकर्स लोगों के लिए भाई कुछ टैक्स पे करना नहीं है, साइड से निकलो आराम आराम सेफ्टी से, ठीक है। तो बस यही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, रेडी आपकी बाइक हो चुकी है इस समय, सब कुछ जो भी इशू था आपने वो दिखा लिया, सर्विस करा लिया उसकी, बाइक का ऑयल चेंज कर दिया है, बाइक के ब्रेक ऑयल, आपके ब्रेक आपके हमेशा अच्छे रहने चाहिए, ABS है तो बहुत अच्छी बात है आपकी बाइक के अंदर, तो वो रखना चाहिए। और आपकी सेफ्टी कहीं ना कहीं आपकी बाइक की जो वो है आपकी मतलब कैपेबिलिटीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है, इसे तो प्लीज़ आप अपनी बाइक की सेफ्टी और उसके बेस पे अपनी सेफ्टी रखिए। अगर आपके बाइक के ब्रेक गियर सब कुछ सही है, एक अच्छी राइड रहेगी, एक यादगार राइड रहेगी। तो अभी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि जब भी पैकिंग करो जाने के लिए तो थोड़ी लाइट पैकिंग करो, ये नहीं कि मुझे ये भी लेके जाना है मुझे ये भी लेके जाना है। अगर सैडल स्टे है और सब कुछ प्रॉपर तरीके से सैडल बैग लगे हुए हैं या फिर आपके पैनल्स लगे हैं या टॉप बॉक्स लगा हुआ है, दैट इज़ गुड। बट अगर आप नॉर्मल बाइक लेके चलो, जैसे कि मैं कहूँ कि RR 310 पे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इतना मतलब कि ये नहीं है कि इतने पहने सब कुछ रख सकते हैं, तो मैं तो सिर्फ ऐसे लेके चला था, लेकिन मेरे पास कोई कपड़े वपड़े ज़्यादा कुछ नहीं थे। ओके, वो मेरे बाद में आ जाएंगे, लेकिन मैं अपना आराम से चलूँ। ये एक माउंट है जो कि मैंने दिखाया हुआ है RR पे लगा के, मैंने अमेजोन से मंगाया था, इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। ओके, तो ये ट्राई किया था मैंने कि कैसा व्यू आता, तो आप इसको देखते रहो, मगर अभी जो मेन चीज़ है वो सुन लो कि अपने राइडिंग गियर्स पहनो। एक सबसे पहली बात तो है कि अच्छा हेलमेट खरीदो। ओके, हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए होता है, ना कि किसी पुलिस से या ठुल्ले से बचने के लिए, जैसे भी हम लोग बोलते हैं। ओके, तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, बस ये हमारी सेफ्टी के लिए है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपका राइडिंग जैकेट आपकी इसके अंदर लेवल टू प्रोटेक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो सब रखो रखो। राइडिंग पैंट आपकी अच्छी हो, पैंट मतलब कि आपकी, मैं तो फिलहाल ये कहूँगा कि अगर आपकी पैंट थोड़ी लूज टाइप की है या टाइट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बाइक में पैर घुमा के नहीं बैठोगे, पैर को अक्रॉस करके बैठोगे। ओके, नी पैड आपके हों और जो आपके बूट्स हैं जूते हैं वो आपके मतलब थोड़े हाई वाले हों, जैसे कि आपको, या फिर अगर आपकी हाइट पूरी की पूरी आ जाती है बाइक के ऊपर तो आई थिंक वेरी वेल सफिशिएंट। और थोड़े मतलब कि हाई एंगल के लेना, ठीक है, उससे फ़ायदा क्या रहेगा कि अगर आप जब भी चल रहे हो तो आपको सेफ्टी रहेगी, और आपको पता हो तो कभी भी ट्रक जब गुजरते हैं ना रास्ते में तो भाई मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है कुछ कुछ पत्थर पड़ते हैं आपके पैर की तरफ, तो उनसे बचने के लिए राइडिंग आपके आपके नी पैड होगा, ये काम आते हैं। कई का होता है क्या कि पानी की बोतल पड़ी होती है, कोई फेंक देता है बच्चा या फिर कोई भी फेंक देता है चलती हुई कार से, और फिर क्या होता है वो ट्रक के नीचे आ जाती है ना, तो ट्रक का टायर जब उसके ऊपर पड़ता है भाई तो पूछो मत, जिस प्रेशर से वो ढक्कन जो होता है ना उसका पड़ता है ना सामने वाले के, उसकी जान निकल सकती है पैरों की। मैंने खुद एक्सीडेंट देखा था, तब मैं एक बार स्टूडेंट था और मैं दिल्ली से आ रहा था, बाइक कैब आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक सामने वाले बच्चे ने मतलब कि थोड़ी देर पहले कार से बॉटल फेंकी, और उसके थोड़ी देर बाद ही मतलब थोड़ी देर कहता 2-3 सेकंड के बाद ही एक बोलेरो वाला जा रहा था, उसने उसका टायर जो है उसके ऊपर पड़ा, और जो वो प्रेशर से निकली है ना उसका ढक्कन जो निकला, कैप निकली है जो बॉटल की, पूछो मत, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था सामने वाले देखने के लिए, सामने वाला बेचारा ब्लक ब्लक कर रहा था बेचारा। ओके, तो ये सब अपने जो गियर्स हैं, हेलमेट है, हेलमेट बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक अच्छा हेलमेट ख़रीदें अगर आप बाइक खरीद रहे हैं तो, और राइडिंग जैकेट ख़रीदें तो, अगर जितना भी आपका है तो आपकी ट्रिप अगर लंबी है तो प्लीज़ इन सब चीज़ें सोच समझ के ही ख़रीदिए, वही फ़ायदा रहेगा। आप लाइट पैक कर चुके हो अपने, कुछ ज़्यादा फालतू चीज़ भरो मत बैग के अंदर। ओके, दूसरी बात यह है कि कोई हाइड्रेटेड आपके पाउच आते हैं तो वो ले लो। देखो गर्म पानी तो अगर लंबी ट्रिप पे चल तो गर्म पानी तो होगा, दोपहर में गाड़ी चलाओगे गर्म पानी तो होगा, ये तो पक्का है, लेकिन पानी तो रहे कम से कम। तो मेरे कॉन्सेप्ट दिमाग में ये था कि अगर मुझे रास्ते में कहीं पे पानी नहीं मिला तो कम से कम मैं ये बोल सकूं कि भाई मुझे मतलब मेरे पास पानी तो है, एटलीस्ट पीने के लिए गर्म पानी हल्की है, पानी तो है। क्योंकि एक जगह पर तो मुझे हंसी आ गई थी, जब मैं आई थिंक आंध्रा में था कहीं पर था,
तो होता क्या है कि मैंने पूछा कि अक्का वाटर, उन्होंने कहा इल्ले नहीं है। मैंने पूछा अक्का टी, यस यस टी इज़ देयर। बिना पानी के चाय बनाओगे क्या? तो ये चीज़ें मेरे से मिल सकती हैं आपको। मैं किसी का नाम ले नहीं रहा, लेकिन नई जगह बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी स्पेसिफिक जगह थी। लेकिन हाँ, मतलब आंध्रा या फिर आपका महाराष्ट्र के बीच में कहीं ना कहीं पे ऐसा कुछ था। ओके, आंध्रा में एक्चुअली सिस्टर को अक्का बोलते हैं। ओके, और जो अभी फ़िलहाल और बात कर लेते हैं, आपको आपका रूट बताओ, आप किस रूट से जाने वाले हो, और अगर आप ट्रिप प्लान करने वाले तो कम से कम 10-15 दिन पहले ही आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर दो कि ये कौन सा है हाईवे जा रहा है यहाँ से, यहाँ से कौन सा ही है। अपने अपने दोस्त लोगों से, अपने कलीग से, या फिर अपने फ्रेंड से, अपने मतलब कि घर वालों से, किसे भी पूछो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है? और गूगल मैप है वो अच्छी बात है, बट तब भी गूगल का ट्राई ये करो कि गूगल आपको सिटी से लेना लेके जाए। अगर आपको हाईवे वाला मिलता है तो हाईवे से मिल जाए। रात का वक्त है तो सिटी प्रेफर करो, ठीक है? लेकिन अगर आपका मतलब वैसा है दिन का है, तो आप प्रेफर करो कि आप हाईवे हाईवे से निकल जाओ और बाईपास होकर निकल जाओ। और अब आ जाते हैं एक और पॉइंट पे कि हल्का खाना खा के स्टार्ट करो। मैं सही बताऊँ, मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं थोड़ा बहुत ही खाया था सुबह सुबह, और मैं स्टार्ट कर दिया था बाइक लेके अपनी आगरा से जब मैं स्टार्ट किया था। तो और जब भी मतलब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने हमेशा हल्का ही ब्रेक खाया, क्योंकि मुझे गाड़ी ही थोड़ा नहीं है, पता लगा ब्लोटिंग होने लगे, फिर लगे लगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो एक छोटी सी बाइट लेके अपना, और कुछ चॉकलेट रख लो भले रास्ते के लिए, तो वो सब चीज़ें टेक। इनफ ब्रेक लो, इनफ ब्रेक लोगे अगर आप तो आपको फ़ायदा, ऐसा नहीं पता लगा खींचे जा रहे हो खींचे जा रहे हो। बाइक है, हल्की सी भी नींद आई, या फिर कार है, हल्की सी भी नींद आई ना, गाड़ी कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी पता लग नहीं पाएगा। क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस कि जब मैं केदारकंठा ट्रैक पे लेके गया था गाड़ी, ओके, केदारकंठा ट्रैक की हुई है, ये बात अलग है, उसकी वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ पाएगी, क्योंकि कुछ इशू है, मतलब कि अभी उस वीडियो में मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ लोगों से, ओके, और डाटा कलेक्ट जैसे हो जाएगा तो फिर बनाऊँगा। ओके, तो ये बात कर ले केदारकंठा ट्रैक की, तो ये समझ लो लगातार मैंने सुबह से रात से लेकर रात के करीब 11 बजे के आसपास से लेकर मैंने अगले दिन के रात के पूरे मतलब कि आपके 10-11 बजे तक गाड़ी चलाई है लगातार, मतलब ऑलमोस्ट 22 या 28 चलाइए कार चलाई है मैं लगातार, और हिली रेप चलाई है फर्स्ट टाइम। तो एक टाइम पे मैं बता देता हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस क्या था, कि एक टाइम पे मेरी आंखें खुली थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मतलब यू मतलब वो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, कि जहाँ पे मेरा दिमाग पे काबू नहीं है, मेरा दिमाग सोने लगा है। ओके, तो इसी का चाहता हूँ कि लाइट ब्रेक लेते रहो बीच बीच में, ओके, अपने को चार्ज करते रहो, ठीक है? ब्रेक मतलब क्या, पानी वानी बीच में पीते रहो, कुछ चॉकलेट खाते रहो, ठीक है? और अगर चाय वाय मिल जाए रास्ते में तो चाय वाय पियो, चाय के शौकीन हो तो, अगर नहीं तो कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी के शौकीन हो तो ये स्टार्ट करने के बाद फिर आपका इनफ ब्रेक आपके हो गए पूरे के पूरे। और अपने को रेडी रखो, अपने को रेडी रखो कि अपने को मोटिवेटेड रखो कि मैं ये कर सकता हूँ ट्रिप। मैं सही बताऊँ, मैं जितने लोगों से मैंने बोला कि मैं आगरा से बैंगलोर जा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 10 में से 8 लोगों ने बोला रहने दे फालतू में, क्यों जा रहा है, अपना प्लेन से ट्रिप कर, अपना कैब से जा, या फिर मतलब कैब से नहीं आपका ट्रेन से जा, बाई फ्लाइट जा, क्यों इशू ले रहा है ये फालतू में, रास्ते में कुछ हो आ जाए। तो अगर आपका मन है तो करो, बट बैकअप साथ में रखो। बैकअप मतलब क्या, अगर सोलो कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, अपनी बाइक को अपने को सेफ रखो, और ट्राई ये करो कि आप सिर्फ मॉर्निंग से स्टार्ट कर दो, करीब 4 या 5 AM के आसपास, और फिर सुबह की सूरज देखते हुए अपनी रोड ट्रिप पूरी स्टार्ट करो मस्त तरीके से। अच्छे अच्छे फ़ोटो लो रास्ते में जो कि आपको खुशी दें, या तब कि ये लगे कि आपने कुछ कैप्चर किया हुआ है, और फिर इसको शेयर कर दो इंस्टाग्राम पर, भूल जाओ। बहुत लोग मैंने देखा हुआ है कि इंस्टाग्राम पर शेयर करने के बाद उसको देखते रहते हैं कि कितने व्यू है, कितने व्यू है। तुम्हारे देखने से व्यू नहीं पड़ेंगे मेरे भाई, ओके, तुम्हारे देखने से व्यू नहीं बढ़ने वाले। चुपचाप से वीडियो अपलोड कर दो, अच्छे से टैग लगा दो उस टाइम पे उस जगह को देखते हुए, और फिर निकल लो। फिर जैसे ही आप निकल लोगे रास्ते के लिए, तो फिर बस अपने व्यू आते रहेंगे, आने होंगे तो, नहीं आएंगे तो कुछ नहीं, दूसरा पार्ट रखे रखो वहाँ पर करो। कहा जाता है ना कि कर्म करते जाओ फल की चिंता मत कर, तो मोबाइल को अपने पॉकेट में रख दो चुपचाप से एयरप्लेन मोड में, ओके।
और हाँ, अगर आपको तो बहुत सारे मोड्स आ गए हैं आपके यार, डू नॉट डिस्टर्ब ये वो, अगर चाहते हो कि फैमिली के कॉल आ सके इमरजेंसी में भी तो उनको रख सकते हो, ठीक है, बाकी किसी के कॉल रिसीव नहीं होंगे। तो आई थिंक आईफोन में तो है, बाकी आपको पता लग जाएगा अगर उसमें, आई थिंक होगा, एंड्रॉयड में भी डेफिनेटली होगा। ओके, तो ये हो गया आपका। दूसरी बात ये है कि अपने को रेडी रखो चैलेंजेस के लिए। ओके, जैसे कि आपके स्पार्क प्लग हो गया, आपके ट्यूब हो गया, तो इंजन ऑयल हो गया, सब कुछ चेक कर करा के सब कुछ रेडी रखो अपनी बाइक के साथ। और अपने को रखो अलग से, आपको पता हो, एक दो बार ट्राई भी कर लो पंचर वाली दुकान पे जाके, देख के एक बार कि कैसे पंचर बनता है बाइक का, अगर बाइक में पंचर हो जाता है तो एक किट आती है अमेजोन में मिल जाती है, नहीं तो अपनी कोई लोकल शॉप में जाके मिल जाएगी आपको सस्ते में, ठीक है, अमेजोन सस्ता महंगी मिले आपको ड्यू टू डिलीवरी चार्जेस, तो वहाँ से ख़रीदो और उसको ट्राई करो या फिर सीखो उनसे, जैसे कि अगर रास्ते में पंचर वंचर होते हैं अगर तो कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है आपका कि आपका गाड़ी का इंश्योरेंस, कुछ भी हो सकता है गाड़ी के साथ रास्ते में, मैं तो कहूँगा कि हैप्पी जर्नी रहे आपकी, सेफ जर्नी रहे, सेफ राइड करो, लेकिन अगर होता है तो ये थोड़ा ना कह के बैठ जाओगे क्या, तो भैया आपने कहा था कि मतलब कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इंश्योरेंस रखो अपना, और मेन बात एक ये है कि अपनी बाइक से अगर आ रहे हो तो रोड साइड असिस्टेंस, या फिर कार से आ रहे हो तो भी रोड RSA जिसे कहते हैं, रोड साइड असिस्टेंस, जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उसको ज़रूर रखो, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपका जो राइड होने वाली है आपकी वो बहुत ही अच्छी हो। तो ये सब कुछ टिप्स थी, और बाकी तो फिर यही है, सब कुछ चलता रहेगा, मगर अगर ट्रिप करने वाले तो ये सब ध्यान में रखना, अगर जिससे कि आपकी ट्रिप जो है वो अच्छी रहे। तो फिलहाल चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट 9 की तरफ, और फिर टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैप्पी जर्नी, सेफ राइड, ओके, बाय बाय।